So when we will use mean, median, and mode, this is you being a researcher and a scientist अंटिस्ट विल डिसाइड कि अब मुझे कौन सा मैयर more appropriate होगा uh, वैसे तो रूल ऑफ तम के मुताबिक मीन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड और मीन इज द काइंड ऑफ जैसे मैंने भी कहा कि uh, हमारी इंफुलेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे टेस्टिंग हाइपोथेसिस में भी हमारी डेली लाइफ में भी एवरेज रिपोर्ट करने में मीन इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाई मीन इज मोस्ट फ्रीकुंटली रिपोर्टेड मै य क्यों क्योंकि हम इसमें एक तो मीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मीन टेक्स इन टू काउंट ईच एंड एवरी वैल्यू इन द डेटा जैसे अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि हमने डेटा मीन कैलकुलेट करना है तो चाहे वो फिर वन वन टू थ्री फोर और फाइव हंड्रेड है बेशक मीन uh, टेक्स इंटू अकाउंट ईच एंड एवरी वैल्यू इन द डेटा पॉइंट विच इज़ अ वेरी प्लस क्यू क्योंकि समटाइम्स हमारे जो आउटलाइज एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं हमारी डेटा के अंदर और वो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं uh, क्यों क्योंकि मीडियम में आप टोटली totally इग्नोर कर देते हैं कि उसका डिस्पर्शन कहाँ है या उस स्केल की सेंसिटिविटी कहाँ तक जा रही है यू जस्ट फोकस ऑन सेंट्रल वैल्यू जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया कि यहाँ पर इवन मैं अगर फाइव थाउजेंड कर दूं या फाइव मिलियन कर दूं स्टिल द मीडियम वैल्यू वुड बी द थ्री सो मीन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मीन आपकी uh, हर वैल्यू को कंसिडर करती है और आप समेशन एफ़ जब निकालते हैं तो यू टेक इन टू काउंट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ़ द एफ दूसरा हमने बात की कि ये चूंकि टेस्टिंग हाइपोथेसिस में इंफ्लूश स्टेटिस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं और इसके ऊपर बेस करके हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं तो इसलिए भी मीन प्रेफर्ड मेयर है Uh, तीसरा ये कि मोस्टली हम नॉमिनल कंटिन्यूस डेटा के साथ हम मोस्टली नुमरिकल डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं हमारे पास स्कोर्स होते हैं तो वहाँ पे भी मीन ज़्यादा अप्रोप्रियट मेयर है जब आप प्योर नुमरिकल डेटा या इंटरवल रेशो स्केल के साथ आप डील कर रहे हैं सो uh, मेन so हमारी प्रेफर्ड चॉइस होती है मोस्टली uh, जब हम सेंट्रल वैल्यू रिपोर्ट करते हैं और हमारी डेली डे टू डे लाइफ में भी हम एवरेज में ही बात करते हैं Uh, लेकिन uh, फिर हम मीडियन और मॉड कब यूज़ करेंगे तो मीडियन हम मोस्टली यूज़ मीडियन के मैंने पहले भी बताया फ़ायदे कि हमारे जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी डेटा के अंदर तो हम उसमें मीडियन यूज़ करेंगे uh, दूसरा डेटा जब हमारे पास हो जिसमें अन और इनकम्प्लीट डेटा पॉइंट्स हैं और हमारे बींग साइकोलॉजी स्टूडेंट बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हमारे पास इनकम्प्लीट uh, या अनडिटर्मन वैल्यूज़ होती हैं जैसे फर्स्ट करें मैंने क्लास को टेस्ट दिया है कोई भी क्वेश्चन दिया है आंसर करने के लिए तो वो फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट फिनिश द एग्ज़ाम तो उनको मैं कैसे कैटर करूँगी अब मेरे पास से आउट ऑफ हंड्रेड नाइन्टी लोगों का स्कोर है लेकिन टेन लोग ऐसे हैं uh, जिन्होंने फिनिश ही नहीं किया तो इसका मतलब कि हमारी मीडियम वहाँ पर हेल्प करती है जब हमारे पास अन या इनकम्प्लीट केसेज होते हैं Uh, जैसा कि मैंने इस एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है मैं उसमें सारी फ्रिक्वेंसीज लिख दूंगी और फिर मैं उसमें मीडियम कैलकुलेट ईजिली कर सकती हूँ इसी तरह हमारे पास uh, जब ओपन आर्डेड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं यानी uh, हमने जैसे एज लिमिट्स यूजली ली होती हैं कि हम 60 तक करके 60 एंड मोर या फाइव और लेस हम कर लें तो तब भी हम मीडियन हमारे पास अप्रोप्रियट चॉइस होती है क्यों क्योंकि मीडियन हमारी यूजली सेंटर पे फोकस करती है uh, वो एक्सट्रीम्स uh, को या आपके जो एंड पे चीज़ें हैं उनको वो एज uh, सच वो इट डजन टेक्स इन टू अकाउंट सो वहाँ पे भी हमारा मीडियम जो है uh, वो प्रेफर्ड चॉइस होता है uh, तो मॉड कब हम यूज़ करते हैं मॉड uh, हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉमिनल डेटा होगा और हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स विच आर इन होल नंबर्स या फिर वन डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास शेप दी हुई और हमने गेस करना है मॉड क्या होगा तो हम मे बी उसकी पीक से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके अंदर मॉड यहाँ पे होगा एंड मोस्टली रियल वर्ल्ड में जैसे मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं फ़ैशन इंडस्ट्री चीज़ों की सेल परचेज में मार्केटिंग में हमारा मॉड वैल्यू बड़ा हेल्पफुल होता है क्यों क्योंकि हम कैटेगोरिकल डेटा नॉमिनल डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसमें फिर हमारी सेंट्रल वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मोड हमारी प्रेफर्ड uh, चॉइस होती है uh, हम मईज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं हियर आई हैव फॉर योर एग्जांपल पुट टू ग्राफ्स इन द दिस वन द राइट वन इज़ एक्चुअली यू नो वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ मीन थ्रू पॉलीगॉन या डिस्ट्रीब्यूशनल कर्व्स जो होते हैं उसे हम आइडिया कर सकते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली प्रजेंटिंग द मीडियन चूँकि हमारे पास मीडियन मैंने uh, बात की कि हमारा आप उसको ऑर्डिनल डेटा के ऊपर भी बिल्ड कर सकते हैं तो हम यूजली उसको ये बार चार्ट में मैंने प्रजेंट किया है लेकिन येस वी कैन प्रजेंट और लोकेट और फाइंड आउट सेंट्रल पोजिशन इन द डेटा थ्रू डिफरेंट ग्राफ्स एज वेल मेय टेंडेंसी को हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं और देख सकते हैं और बहुत सा हमें आइडिया देते हैं कि कहाँ पे मीन मीडियन मॉड लाई कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सो बाई जस्ट लुकिंग एट द शेप ऑफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन हैव एन आइडिया कि वेयर द सेंटर विल बिल्क एज वी टॉक्ट अबाउट कि मेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली टेल्स अस अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू ऑन द डेटा अब आपके सामने फाइव डिफरेंट कर्व्स हैं पहला कर्व हमारा नॉर्मल कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं सो आई कैन गेस कि इसका मीन मीडियन मॉड तीनों दरमियान में एक ही जगह पर एक ही वैल्यू होगी वाई बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाई जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आपका है वन टू थ्री फोर फाइव जब भी हमारा डेटा समिट्रिकल होता है यानी वो एक समिट्री में मूव करता है तो हमारी हमेशा सेंट्रल वैल्यू मीन और मीडियम बराबर होते हैं इसका हमारा आप चाहे प्लस करके देख लें और उसको फाइव पे डिवाइड कर दें या आप प्लस ना करें अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो सेंट्रल वैल्यू ही मीन होगी और सेंट्रल वैल्यू ही मीडियन होगा और चूंकि यहाँ पे कोई मॉड नहीं है आ, हर वैल्यू एक दफ़ा रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि मॉड भी फिर हम सेंटर में ही लोकेट करेंगे बिकॉज़ हम जाके फाइव को मॉड नहीं कहेंगे बल्कि हम इसी को कहेंगे क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह अगर मेरा डेटा है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड चने जीरो डाल देती हूँ उधर जगह नहीं है आप डेटा मेरा अगेन मेट्रिकल है यानी फाइव के इंटरवल के साथ मूव कर रहा है आई डोंट नीड टू कैलकुलेट मीन बाई समे एफिक्स ओवर एन माय सेंट्रल वैल्यू विल बी द मीन एंड सेंट्रल वैल्यू विल बी द मीडियन बिकॉज डेटा इज मेट्रिकल एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपका इक्वल इंटरवल है उसके अंदर आपका जो दूसरे कर्म एग्जाम्पल दी हुई है इसमें आई कैन हैव आइडिया कि डेटा तो मेरा नॉर्मली मतलब सिमेट्रिकली ही है ऑलमोस्ट लेकिन इसके अंदर बाय मॉडल है बाय मॉडल का मतलब है कि हमारे पास दो मॉड इस डेटा के अंदर है कैसे अगर फर्स्ट करें मेरे पास डेटा है वन टू थ्री 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 फोर फाइव 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 तो इसके अंदर मेरे पास मॉड की वैल्यूज़ दो हैं क्योंकि थ्री भी थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है और फाइव भी थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है तो जब मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाऊंगी तो दिस इज टेलिंग मी कि देर आर टू मॉड्स इन द डेटा इंड अदरवाइज आपका सेंटर जो है वो दरमियान में यहीं कहीं लाए करेगा मीन uh, मीडियन आपका इसी तरह ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल का मतलब है कि वो क्वन साइड है उसका एग्जैक्टली exactly हाफ जो है वो दूसरे हाफ का मरर इमेज है ये सॉरी हाफ में लाइन नहीं लगी uh, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है वाई क्योंकि नॉर्मल हमेशा बेल शेप्ड होता है समेट्रिकल uh, होता है सो so, हर सिमेट्रिकल का नॉर्मल नहीं है लेकिन हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ज़रूर होगा सो हियर आल्सो आई कैन इमेजन कि मेरा मीन मीडियन यहाँ पे दरमियान में ही आएगा uh, ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड uh, होता है तो इसका मतलब है कि मेरी जो मीन है मीडियन uh, बराबर नहीं है Uh, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पॉजिटिव टेल से ये हमारी पॉजिटिव टेल होती है ये हमारी नेगेटिव टेल होती है जब हमारा पॉजिटिव टेल से वो पिचका हुआ है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मतलब है कि हमारे पास फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑन द पॉजिटिव टेल है और जब मेरी नेगेटिव टेल से कम है तो इसका मतलब है कि मेरी मेजॉरिटी लोग तो यहाँ पे ही हैं लेकिन फ्यू एक्सट्रीम स्कोर्स लोअर एंड के ऊपर हैं जिसकी वजह से हमारी मीन जो है वो इस तरफ टिल्ट हो जाएगी और इसमें हमारी मीन मीडियन की बजाय सेंटर से टिल्ट होके इस तरफ मूव हो जाएगी जहाँ पे स्क्यूड है आई हैव डिमॉन्सट्रेटेड दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड एग्जैक्टली दिस इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज़ अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन्स इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू फ्यू एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यूज जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया है वन टू थ्री फोर और फिफ्टी जमा कर देंगे तो मीन वन टू थ्री नहीं आएगा बल्कि मीन ट्वेल्व हो गया था हमारी लास्ट एग्जाम्पल में सो मीन विल बी टिल्टेड द पॉजिटिव टेल वेयर एवर द स्क्यू इज और ये हमारा नेगेटिव टेल है इसका मतलब है कि सब लोगों के नंबर बहुत अच्छे हैं बट देर आर फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द लोअर टेल एंड बिकॉज ऑफ दोज वैल्यूज हमारा मीन टिल्ट स्क्यू की तरफ चला जाएगा सो so, हमारे पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन में मीन विल बी ग्रेटर देन द मीडियन एंड नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारी मीन विल बी स्मॉलर देन द मीडियन सो इसको बताने का मकसद ये है कि हम मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेनेसी थ्रू फॉर्मूलाज कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन हम ग्राफ्स को देख करके भी आइडिया कर सकते हैं कि उसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा होगा या कहाँ पर लोकेटेड होगा जैसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिवली स्क्यूड में और नेगेटिवली स्क्यूड में यू एट वंस कैन हैव एन आइडिया कि यहाँ पे ज्यादा लोग तो मेरे इधर आ रहे हैं बट फ्यू पीपल आर हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द पॉजिटिव साइड दैट्स वाई ड्यू टू फ्यू पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यूज मीन विल भी टू वर्ड दैट साइड सो वी हैव वेरी मच डन मेयर्स ऑफरटेजी थ्रू फर्मलाज्सो एंड थ्रू ग्राफिकल ऑल्सो Now we will run all these analyses in SPSS uh, uh, and see how it works.